शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरीहार की कक्षा 11वीं के 50 छात्र छात्राएं और 5 शिक्षकों का एक दल बुधवार को जिला अस्पताल भ्रमण के लिए पहुंचा। यहां शिक्षकों के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और यहां मौजूद वार्डों की जानकारी ली। साथ ही छात्र छात्राओं ने अपने मन में उठ रहे सवाल भी यहां के स्टाफ से किए। दल का नेतृत्व कर रहे शिक्षक राजीव सेहाने ने बताया कि प्रशासन की फिजिकल एजुकेशन योजना के तहत छात्र छात्राओं को यह भ्रमण कराया गया है, जिसमें उन्हें अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि इमरजेंसी होने पर किस तरह से अस्पताल की सेवाएं ली जाती हैं। इसके अलावा यह दल शहर के बाबू राम चतुर्वेदी स्टेडियम में खेल गतिविधियों में शामिल होने पहुंचा, जहां उन्हें विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी दी गई। हेल्थ केयर का भ्रमण जो था हॉस्पिटल में करना था और फिजिकल एजुकेशन का पंडित बाबूराम स्टेडियम में करना है, जिसमें शारीरिक शिक्षा के बच्चे रहते हैं, खेल से संबंधित गतिविधि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका आने क्या आपका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य सर ये रहता है कि बच्चों के ये फील्ड पे घुमाने का तात्पर्य रहता है ताकि वो फील्ड को जाने, खेल को समझे, हॉस्पिटल में आकर के सारी स्थिति को जाने कि कहां पर किस प्रकार का वार्ड होता है। माध्यमिक विद्यालय गौरीहार से आए हैं और जगत भ्रमण के लिए हम कक्षा 9वीं से हेल्थ केयर सब्जेक्ट से अध्ययनरत हैं। इसमें हमें प्रतिवर्ष विजिट कराया जाता है, जिससे हम अस्पतालों में जाकर ये देखते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार हैंडल करते हैं, कितने वार्ड होते हैं, विभिन्न वार्ड पर हम पता करते हैं, मशीन्स भी देखते हैं। पर हम क्या औद्योगिक भ्रमण के लिए आए हैं कि बच्चों को हेल्थ केयर के बच्चों को भ्रमण कराने के लिए हॉस्पिटल में जानकारी देने के लिए कि किस तरीके के पेशेंट रहते हैं और उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। कौन से स्कूल से कहाँ से आए? हाँ, ये शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय गौरीहार से हैं हम। गवर्नमेंट उत्तर हायर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं यहाँ पर विजिट के लिए। प्रत्येक वर्ष में विजिट कराई जाती है, अस्पताल में दिखाया जाता है कि कौन से कहाँ से वार्ड होते हैं और इसमें क्या कहो, जैसे इमरजेंसी वार्ड में कैसे पेशेंट रखे जाते हैं, इनका इलाज कैसे होता है, ये कराया जाता है।